जो भी काम हुआ गाड़ी में बहुत अच्छा हुआ और हम 100% सेटिस्फाई हैं। बिल्कुल कार हमारी खुल चुकी है पूरी तरह से। इसमें स्पीकर का, म्यूजिक सिस्टम का, फ्लोर लैमिनेशन का स्टोर में भी हमारा काम हो रहा है। बाकी सारी चीजें पूरी कंप्लीट कार हमारी खुल चुकी है। पिछली सीट में हम लोग हेडरेस्ट भी लगाने वाले हैं। अभी जो कंपनी की तरफ से कोई हेडरेस्ट का ऑप्शन नहीं आता, सिर्फ अगले दो हेडरेस्ट होते हैं। सीट कवर भी हमारे बकेट कवर होने वाले हैं, इसकी भी हमने स्टार्टिंग कर दी है सीट कवर लगाने की। म्यूजिक सिस्टम का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो ब्रेजा आई थी। और मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे हमने कैमरा इंस्टॉलेशन किया हुआ, आप देख सकते हैं जो नंबर प्लेट के साथ में यहाँ पे हमने कैमरा लगाया हुआ। साइड प्रोफाइल में चलते हैं तो यहाँ पे लोअर विंडो गार्निश हमने कार में इंस्टॉलेशन की हुई, आप देख सकते हैं। एक फिटिंग, एक क्वालिटी के साथ काम है। यहाँ पे डोर वाइजर भी हमने लगाए हुए, आप देख सकते हैं क्रोम लाइन वाले डोर वाइजर कार में लगाए हुए हैं। अब बारी आती है हमारी इंटीरियर दिखाने की, जो कार में हमने लगाया हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोर लैमिनेशन मैटिंग कार में हमने लगाया हुआ। साफ तो कर लो इसको बेटा। और यहाँ पे हमारा मारुति का ओरिजिनल आमरेस आ चुका, जो इसको ये हम पूरा पार्ट चेंज करके लगाएंगे। कार में 9 इंची एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम भी हमने लगा दिया, आप देख सकते हैं ग्लोसी फ्रेम के साथ, जिसकी प्रॉपर फिटिंग रहने वाली है। और बैक कैमरे की क्लैरिटी आपको दिखाएंगे कार में। क्लैरिटी देख सकते हैं कैमरे की, बहुत ही अल्टीमेट क्लैरिटी आने वाली है इस कार में, जो हमने बैक कैमरा लगाया हुआ। म्यूजिक सिस्टम का काम यहाँ पे हमने कॉम्पोनेंट्स लगाए हुए इन्फिनिटी ब्रांड्स के। यहाँ पे ट्यूटर की प्लेसमेंट, यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट, जो एक काम किया बहुत ही जेन्युइन रहने वाला है। अब बारी आती है हमारी स्टेयरिंग कवर, ये स्टेयरिंग कवर इसमें सिलने वाले हैं। फाइनली आपको दिखाता हूँ कंप्लीट होने के बाद क्या लुक आने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ ऑप्शन देखने को, यूट्यूब वगैरह, मैप वगैरह मिल जाएगी। हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी तक जो हमारा काम चल रहा था आर्मरेस्ट लगाने का, एक कंपनी जैसा काम हुआ है, क्वालिटी वाला काम हुआ है। ओरिजिनल मारुति का ही आता है, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। फिटिंग फिनिशिंग एक्यूरेट रहने वाली है, टॉप मॉडल की चीज़ है, मारुति की चीज़ है, तो इसमें ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद समझ सकते हो इसकी क्वालिटी को लेकर के। पहले हमारा कुछ ऑप्शन ये था कंपनी की तरफ से, अब हमने ऑप्शन ये कर दिया है। गाड़ी का ऑलमोस्ट हमारा फ्लोरिंग का या जो भी एक्सेसरी लगनी थी काम हो चुका है लगभग सारा। अब इसकी फाइनली फिनिशिंग देनी है, फिटिंग करनी है सारी चीज़ों की। और इधर दिखाएंगे सीट कवर का काम। यहाँ पे हमारे बकेट सीट कवर लग रहे हैं, जो कार में हमने ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन के साथ इस सीट कवर को प्रॉपर फिटिंग दे रहे हैं। और यहाँ पे बकेट फिटिंग सीट कवर हमारे होने वाले हैं। और भाई यहाँ पे फिटिंग भी शुरू कर दी है, जो रूफ रिल भी लगा दी, आप देख सकते हैं ब्रेजा की ABS वाली रूफ रिल इसमें लगाई हुई है। इसकी प्रॉपर फिटिंग देख सकते हैं, बहुत अच्छी फिटिंग रहने वाली है जो यहाँ पे हमने लगाई हुई है। रूफ रिल की फिटिंग देख सकते हैं। अब बारी आती है कस्टमर रिव्यू लेने के। पहले तो आपका नमस्कार, धन्यवाद, आप आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमान जी की गाड़ी में हमने काम किया हुआ है, ब्रेजा LXi से VXi बनाने का काम किया हुआ है। इनका क्या एक्सपीरियंस है ये सर खुद ही अपना बताएंगे। भाई जो भी काम हुआ गाड़ी में बहुत अच्छा हुआ और हम 100% सेटिस्फाई हैं। बिल्कुल विद इन टाइम और विद इन उसमें क्वालिटी से अच्छा काम किया सर, आपका क्या कहना है? बिल्कुल सेटिस्फाई किया है जी, टाइम के हिसाब से भी, क्वालिटी के हिसाब से जो काम कही थी परफेक्ट हुआ। प्रोडक्ट सारा जेन्युइन लगाए हमने, 90% मारुति की आइटम कोशिश रही लगाने की, और ऐसा ही किया हुआ। हमारे काम से, हमारे रेट से सर संतुष्ट है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।